इस वक्त राजस्थान चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो गई है। 83 उम्मीदवारों की ये दूसरी सूची घोषित कर दी गई है। वसुंधरा राजे को झालरा पाटन से टिकट दिया गया है, यानी कि वसुंधरा राजे एक बार फिर से विधानसभा चुनाव मैदान में होंगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नाम ये पक्का ही था, एक बार अब लिस्ट में नाम आ गया है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। बेसब्री से इंतजार हो रहा था बीजेपी की इस दूसरी सूची का। कयास लगाए जा रहे थे कि पहले कांग्रेस पार्टी की सूची आएगी, उसके बाद बीजेपी की सूची आएगी। फिलहाल 83 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। इससे पहले 41 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई थी। तो अब आपको नाम भी बताएंगे जो प्रमुख सीटों पर नाम है, और इस बड़ी खबर पर ज्यादा तफसील से जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी उमेश शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उमेश, इस बड़ी खबर की क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, पहले ही माना जा रहा था कि कांग्रेस की सूची आने के बाद बीजेपी की सूची जारी की जाएगी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने सूची जारी की है वो सभी चौंकाने वाला है। हालांकि ये बात जरूर है कि कल लगभग सभी सीटों पर मंथन हुआ था और 70 से 80 सीटों पर ये टिकट आने की संभावना थी और आज वो घोषित हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को झालरापाटन से टिकट दिया गया है। इसके अलावा जयपुर की बात की जाए तो अशोक लाहोटी का टिकट काटा गया है, उनकी जगह भजन लाल शर्मा जो कि प्रदेश महामंत्री है भाजपा में, उनको टिकट दिया गया है सांगानेर से। ये एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा सकता है। बगरू की बात की जाए तो कैलाश शर्मा को एक बार फिर रिपीट किया गया है। इसके अलावा चाकसू में बात की जाए तो चाकसू में भी टिकट वही दिया गया जो पहले दिया गया था। फुलेरा में निर्मल कुमार को टिकट दिया गया। तो लगभग जितेन गोठवाल की बात की जाए तो खंडार से उन्हें वापस रिपीट किया गया है। अनिता बदेल, वासुदेव देवनानी को टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने ज्यादातर उन्हीं लोगों को टिकट दिया है जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, जो वर्तमान में विधायक है या फिर जो पहले प्रत्याशी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने पहले भी आ रही थी कि पार्टी इस बार विधायकों की ज्यादा टिकट नहीं काटेगी, 50 के लगभग विधायकों को टिकट दिया जाएगा। लेकिन जयपुर के लिए चौंकाने वाली बात है कि अब तक जयपुर में 3 टिकट दिए गए, तीनों ही विधायकों के, जो 2 विधायक और 1 पूर्व विधायक का टिकट उसमें काट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पार्टी जयपुर के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है और वसुंधरा राजे को टिकट देकर पार्टी ने एक तरह से चौंकाया है। क्योंकि देखिए, अभी तक राजस्थान में पार्टी ने सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया, लेकिन वसुंधरा राजे को टिकट देकर एक बार फिर पार्टी कुछ ना कुछ कार्यकर्ताओं के बीच संदेश देना चाहती है। और भी अन्य सीटों की बात की जाए तो जो उदयपुर की सीट है वहां पर भी जो राज्यपाल बन गए हैं असम के गुलाबचंद कटारिया, उनकी जगह वैश्य वर्ग के व्यक्ति हुई, वहां से टिकट दिया गया है। और अन्य जो सीटें हैं, धौलपुर की बात की जाए, धौलपुर में कुशवाहा समाज से ही टिकट दिया गया है, क्योंकि शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, उनकी जगह धौलपुर से एक कुशवाहा को ही टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान कर रही है और जहां जरूरत पड़ रही है वहां टिकटों को बदला भी जा रहा है, चाहे वहां पर पार्टी लंबे समय से जीतती ही क्यों ना आ रही। जी बिल्कुल, इस वक्त की ये बड़ी खबर। उमेश, आप बने रहिए, हम दर्शकों को कुछ और नाम बता देते हैं। इस वक्त ये लिस्ट जो 83 उम्मीदवारों की दूसरी सूची है उसमें जो प्रमुख नाम है, अनूपगढ़ से संतोष बावरी को टिकट दिया गया है, रायसिंह नगर से बलवीर सिंह लूथरा को टिकट दिया गया है, सांगरिया से गुरदीप सिंह, उसके अलावा पीलीबंगा से धर्मेंद्र मोची को टिकट दिया गया है, अभिषेक मटोरिया को एक बार फिर से चुनाव मैदान में नोहर विधानसभा क्षेत्र से उतारा जा रहा है, जेठानंद व्यास बीकानेर पश्चिम से बीजेपी के उम्मीदवार रहेंगे, सिद्धि कुमारी को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतार रहे हैं बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट से, सुमित गोदारा को लूनकरण से वापस रिपीट किया जा रहा है, बिहारी लाल बिश्नोई नोखा से फिर से रिपीट किया जा रहा है, राजेंद्र राठौर का नाम एक बार फिर से क्लियर है, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर तारानगर से, चूरू से हरलाल सहारण, रतनगढ़ से अभिनेश महर्षि को रिपीट किया जा रहा है, सूरजगढ़ से संतोष अहलावत को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है, धौद विधानसभा सीट है उससे गोवर्धन वर्मा प्रत्याशी है, नीम का थाना से प्रेम सिंह बाजौर, श्रीमाधोपुर से झबर सिंह खर्रा,
चौमू से रामलाल शर्मा को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। फुलेरा से निर्मल कुमावत, अंबेर विधानसभा आमेर विधानसभा सीट से सतीश पूनिया को टिकट एक बार फिर से दिया गया है। मालविया नगर से कालीचरण सराफ एक बार फिर से चुनाव मैदान में होंगे। ये बीजेपी का गढ़ जयपुर की सीट रही है। जयपुर के सांगानेर से भजन लाल शर्मा, ये एक चौंकाने वाला नाम। भजन लाल शर्मा बीजेपी के सीनियर पदाधिकारी हैं। और भी आपको लिस्ट में आगे का नाम बताएंगे। फिलहाल उमेश से एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। उमेश, बीजेपी ने दो सूचियां जारी कर दी। पहली सूची 41 प्रत्याशियों की, 83 प्रत्याशियों की दूसरी सूची। मानकर चले अब कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट देने में और ज़्यादा सहूलियत होगी। बीजेपी की लिस्ट देखने के बाद अब फाइनल रूप से कहीं बदलाव करना हो तो कांग्रेस पार्टी कर सकेगी और उसके बाद पहली सूची जारी करेगी। बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टियां अभी तक इस स्थिति में थी कि एक दूसरे के टिकट देखना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने वाकई टिकट की दूसरी सूची जारी करके सबको चौंका दिया है। अब कांग्रेस के लिए आसान भी कहा जा सकता है और राह कठिन भी कही जा सकती है, क्योंकि कुछ नाम भले ही सूची जारी नहीं की गई हो लेकिन कुछ नाम आउट हो जाते हैं। अगर अब बीजेपी की सूची के अनुसार नामों को बदला जाता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। और जहां तक बात की जाए तो देखिए, बीजेपी ने जो उम्र की एक बात चल रही थी कि ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन 72 साल के कालीचंद सराफ को टिकट दिया गया चौथी बार, क्योंकि चौथी बार मालवीय नगर सीट जब से बनी है तब से लगातार वो ही वहाँ विधायक बनते आए हैं। चौथी बार पार्टी ने एक बार उनको फिर टिकट दिया है। ये बात पहले ही छनकर सामने आ गई थी कि कालीचंद सराफ को वापस पार्टी रिपीट करेगी। जहां तक बात की जाए, आमेर से सतीश पूनिया को वापस रिपीट किया गया है। सीट बदलने की बात लंबे समय से चल रही थी राजेंद्र राठौड़ की, वो जयपुर से किसी सीट से टिकट चाहते थे। तारानगर से उन्हें टिकट दिया गया, तारानगर से वो पहले भी विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस के सीएस बैद को उन्होंने लंबे अंतर से हराया था। इस बार उन्होंने सीट बदली है क्योंकि देखिए, चूरू जो सीट है वो अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट है और हर बार केवल राजेंद्र राठौड़ ऐसे व्यक्ति थे जो वो लगातार जीतते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने तारानगर सीट बदली है तो कहीं ना कहीं इस बार उन्हें लग रहा था कि सीट पर कुछ ना कुछ उनके साथ गड़बड़ हो सकती थी। तो ये बड़ी बात है कि पार्टी ने अभिषेक मटोरिया को वापस टिकट दिया है, संतोष अहलावत जो कि पहले सांसद रह चुकी हैं उनको टिकट दिया है। तो पार्टी जिताऊ चेहरे पर दाव खेल रही है, इस बात से अब कोई गुरेज नहीं है कि वो सांसद है, पूर्व सांसद है चाहे सामान्य कार्यकर्ता है। तो ये लिस्ट चौंकाने वाली है। 83 नाम में कई नाम ऐसे हैं जो माना जा रहा था कि इस बार उनका टिकट कट सकता है, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है ये माना जा सकता है कि पार्टी सर्वे में उनकी स्थितियां ठीक थी। जी, और उमेश, कुछ नेताओं की सीट में बदलाव किया गया। एक बड़ा नाम नरपत सिंह राजवी का जयपुर के विद्याधर नगर सीट, जहां से सांसद दिया कुमारी को उतारा गया है, अब नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से उतारा जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर। देखिए, चित्तौड़गढ़ नरपत सिंह राजवी पहले भी विधायक रह चुके हैं, ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि चित्तौड़ से ही वो सीट बदलकर जयपुर के विद्याधर नगर आए थे और अब चित्तौड़ से उन्हें रिपीट किया गया, तो चित्तौड़ उनके लिए कोई नई जगह नहीं है क्योंकि वो पहले भी वहां से विधायक रह चुके हैं। और जब उनका टिकट यहाँ से जयपुर से काटा गया था तब ये बात सामने आ रही थी कि उन्हें बीकानेर पूर्व या चित्तौड़ से उतारा जा सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि उनके पुत्र भी टिकट की दौड़ में थे लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर उनको दरकिनार किया क्योंकि वो पिछले कई चुनाव से टिकट मांग रहे हैं अभिमन्यु, लेकिन उनको टिकट न देकर उनके पिता को वापस टिकट देकर पार्टी ने चौंकाया है। जहां तक बात है बीकानेर पूर्व की, तो बीकानेर पूर्व में ये चर्चा थी कि सिद्धी कुमारी का टिकट काटा जा सकता है, लेकिन सिद्धी कुमारी को वापस रिपीट किया गया क्योंकि लगातार वहां से विधायक बनती आई है। तो देखिए, ये समीकरण अब चूंकि बीजेपी ने टिकट घोषित कर दिए हैं तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं मंथन एक बार फिर से करना पड़ेगा और प्रत्याशियों के लिए एक बार फिर उनको माथापच्ची करके ही मैदान में उतारा जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जयपुर की बात की जाए तो कांग्रेस भी लगभग जिन सीटों पर कांग्रेस के विधायक है उनको रिपीट करने की तैयारी करी थी। हालांकि महेश जोशी लगातार अपनी सीट बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी फिलहाल उन्हें हवा महल से ही टिकट देने पर अड़ी हुई है क्योंकि बीजेपी की इस लिस्ट में हवा महल से कोई प्रत्याशी नहीं आया है। तो अब बीजेपी कांग्रेस के लिए मुश्किल है कि वो वहां से प्रत्याशी के रूप में महेश जोशी को उतारे या किसी को बदल कर टिकट दे। तो कहीं ना कहीं कुछ कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी की ये सूची जारी होने के बाद अब बीजेपी कांग्रेस खेमे में खलबली है कि जल्द से जल्द वहां भी सूची जारी की जानी चाहिए क्योंकि 30 तारीख से नामांकन दाखिल होंगे, मात्र 9 दिन का समय बचा है
और 9 दिन में अगर किसी का विरोध या किसी के प्रति अगर कोई बहुत बड़ी खिलाफत आती है तो पार्टी चेंज भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल बीजेपी कहीं ना कहीं नजर आगे आ रही है। 122 सीटों के लगभग बीजेपी टिकट दे चुकी है और अब 6 सीटों पर भी जल्द से जल्द नाम आने की सूचनाएं आ रही है, क्योंकि लगभग सभी सीटों पर लगातार सीमिति में और कोर कमेटी में चर्चा हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है कि उसने पहले टिकट घोषित करके कांग्रेस से 2 कदम आगे बढ़ा लिए। जी, और उमेश, इस सूची का अगर और विश्लेषण करें तो ये मानकर चलिए जो पहले 41 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हुए जिसके बाद बवाल मचा कि सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए उतारे, ये जो दूसरी सूची है इसमें ऐसा बहुत कम है, यानी कि बीजेपी ने ये इस बार कोई रिस्क नहीं लिया है सांसदों को ज्यादा टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारने का। ये असर देखें कि जिस तरह से विरोध हो रहा था पहली सूची के बाद। देखिए, पहली सूची के बाद विरोध हुआ था क्योंकि कई विधायक, कई जो कार्यकर्ता नेता हैं वो यही बात कहते नजर आए कि जब सांसद का टिकट उन्हें दिया गया वो ऑलरेडी सांसद है, तो फिर बीजेपी को नए लोगों को मौका दिया जाना देना था, और वो बात संगठन के स्तर से पहुंची भी आलाकमान तक। यही वजह है कि बाद में ये तय किया गया था कि अब ज्यादा सांसदों को टिकट नहीं दिए जाएंगे। वर्तमान सीटों पर जिस तरह से पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं उससे लग रहा है कि अब आने वाले समय में ज्यादा सांसदों को पार्टी टिकट नहीं देगी, लेकिन ये जरूर है कि पार्टी ने ज्यादातर लोग रिपीट किए हैं, कई हारे हुए प्रत्याशी हैं उनको भी रिपीट किया है, तो कहीं ना कहीं पार्टी की स्ट्रेटेजी वही है कि जो मौके पर काम कर रहा है और जिसकी अभी भी धरातल पे पकड़ ठीक है उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाए। लेकिन देखिए, कई नाम जैसे चौंकाने वाले हैं, जैसे भजन लाल शर्मा की बात की जाए, भजन लाल शर्मा का भरतपुर से भी नाम चल रहा था, वो खुद भरतपुर के रहने वाले हैं, लेकिन सांगानेर सीट से टिकट देकर पार्टी ने चौंकाया है, क्योंकि अशोक लाहौटी के टिकट पर लंबे समय से कहा जा रहा था कि उनका टिकट कट सकता है, क्योंकि संघ के एक मामले में उनका नाम आने के बाद से ही उनके टिकट पर संकट छाया हुआ था और पार्टी ने उन्हें टिकट काट दिया। लेकिन हालांकि अभी जयपुर की सिविल लाइन सीट ऐसी है जहां से प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, वहां से एक बार अशोक लाहौटी हार चुके हैं, प्रत्याशी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में वहां कांग्रेस का कब्जा है। अब पार्टी को तय करना है, क्योंकि देखिए वैश्य समाज का टिकट है, वैश्य समाज लंबे समय से दोनों पार्टियों से मांग कर रहा था कि वो टिकट दे हमारे लोगों को, कहीं ना कहीं वैश्य समाज का टिकट दिया गया है तो कहीं ना कहीं उसको सेट किया जाएगा, चाहे किसी और व्यक्ति को देकर किया जाए, किसी तरह से किया जाए, क्योंकि पार्टी जितने भी सामाजिक और राजनीतिक समीकरण उनके अनुसार ही टिकट देती आई है। तो अब ये देखने वाले की बात होगी अगली सूची में किस तरह से पार्टी ने अन्य प्रत्याशियों की घोषणा करती है। जी शुक्रिया उमेश, वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से इस बड़ी खबर पर तफसील से जानकारी दे रहे थे। बीजेपी की दूसरी सूची आ गई है, पहली सूची 41 प्रत्याशियों की, दूसरी सूची 83 प्रत्याशियों की, यानी कुल मिलाकर 200 में से 124 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने 2 सूचियां जारी कर दी हैं, अब 76 सीटों पर और घोषणा होनी बाकी है, यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो कांग्रेस से इस प्रत्याशी चयन प्रक्रिया में 2 कदम बीजेपी आगे निकल गई है 2 सूची जारी करके। अब मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी इन नामों को सामने रखकर अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेगी। जो नामों पर मोहर लगी गई है उनमें से कुछ नामों पर कांग्रेस पार्टी कुछ बदलाव कर सकती है इस लिस्ट को देखकर।